बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज एंटी साइकोटिक मेडिकेशन विच आर यूज्ड अगेंस्ट डिफरेंट साइकोटिक एलिमेंट्स इंक्लूडिंग स्किज़ोफ्रेनिया, मैनिया, डिल्यूजन डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेशन, इन सारों के अंदर जो यूज होते हैं एंटी साइकोटिक मेडिकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे एंटी साइकोटिक्स को, इनके क्लासेस को, एंटी साइकोटिक्स के मोड ऑफ एक्शन को। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो एंटी साइकोटिक ड्रग के ऊपर है। लेकिन इससे पहले आप लोगों को पता है, आप लोगों ने स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ा है और उसके अंदर हमने डिस्कस किया हुआ था कि बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर होता क्या है कि किसी भी साइकोसिस के अंदर एक डोपामिन थ्योरी है और उस डोपामिन थ्योरी के अंदर ये बात की जाती है कि डोपामीन आपके ब्रेन के कुछ एरियाज के अंदर, मोस्ट ऑफ द एरियाज के अंदर आपका जो डोपामीन लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइकोसिस होता है। जिस तरीके से एक एग्जांपल अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया का ले, तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर या स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर जो डोपामीन है वो ब्रेन के कुछ खास एरियाज के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होता है। और फिर हमने उसके अंदर डिस्कस किया था पॉजिटिव सिम्टम्स को, नेगेटिव सिम्टम्स को, कि जो हमारे पास बिहेवियरल और कॉग्निटिव सिम्टम्स है उसके अंदर, तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो किस तरीके से होते हैं। अब उसके हवाले से जो थ्योरी है डोपामिन थ्योरी, उसमें ये कहा जाता है कि सर्टन एरियाज ऑफ द ब्रेन के अंदर हमारे पास जो डोपामिन है वो बढ़ जाएगा तो हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया होगा। एक एक्सेप्शन है जो आप लोगों को अभी ही मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कि हम डिस्कस करें स्किज़ोफ्रेनिया के पैथोफिजियोलॉजी, हमें पता है अब हमें एंटी साइकोटिक्स को समझने के लिए डोपामिनर्जिक पाथवे को समझना होगा। अब जो डोपामिनर्जिक पाथवे है उसके अंदर हमारे पास चार पाथवेज हैं, जो कि इनके ऊपर जो इफेक्ट होगा एंटी साइकोटिक्स का, तो किस तरीके से हम कहते हैं कि जो हमारे पास साइकोसिस है, जिस तरीके से मेसोलिम्बिक पाथवे की अगर हम बात करें, जिस तरीके से हेलुसिनेशंस है, डिल्यूजन्स है, थॉट डिसऑर्डर है, तो ये मेसोलिम्बिक पाथवे के अंदर अगर हमारे पास डोपामीन इंक्रीज हो जाए तो हमें ये पॉजिटिव सिम्टम्स होंगे। अब जाहिर सी बात है एंटी साइकोटिक्स का एक्शन हमारे पास इस तरह होना चाहिए कि ये हमारे पास रिड्यूस करे इन सिम्टम्स को, यहाँ पे डोपामिन को कम करे, डोपामिन के रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज करे। इस तरीके से मेसोकॉर्टिकल पाथवे नेगेटिव सिम्टम, जिस तरीके से हमने स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर डिस्कस किया था कि नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर क्या है, बिहेवियरल डेफिसिट्स, कमी आ जाती है, जिस तरीके से एनहेडोनिया, एवोल्यूशन, फ्लैट इफेक्ट, तो ये हमारे पास नेगेटिव सिम्टम्स है। फिर जो नेग्रोस्ट्रेटल पाथवे है, ये रिलेटेड है हमारे पास जो वॉलंटरी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है हमारी बॉडी की और टोन है उसको मेंटेन करना। फिर इस तरीके से ट्यूबरो इन्फ्रंटिबुलर पाथवे है जो कि हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया कराती है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे एंटीसाइकोटिक के एक्शंस के अंदर कि किस तरीके से ये हमारे पास चार पाथवेज जो है इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स के हवाले से, कि बहुत सारे एंटीसाइकोटिक्स जो मेडिसिन है, जो स्पेशली हमारे पास पुराने एंटीसाइकोटिक्स से आगे हम क्लासेस पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या होता है कि वो नेगेटिव सिम्टम्स को इतना जल्दी कम नहीं करती। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये थ्योरी है कि हमारे पास मेसोलिम्बिक पाथवे के अंदर अगर डोपामिन इंक्रीज हो जाता है तो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अक्सर स्टडीज के अंदर देखा गया है कि मेसोकॉर्टिकल पाथवे के अंदर हमारे पास डोपामीन कम हो जाता है तो नेगेटिव सिम्टम्स हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम एंटीसाइकोटिक्स ऐसे देते हैं जो कि स्पेसिफिकली D2 डोपामीन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, तो वो नेगेटिव सिम्टम्स को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी। तो आगे हम इन पाथवेज को डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास मेसोलिम्बिक पाथवे है ये स्टार्ट होता है कहाँ से, आपका जो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया है और ये न्यूक्लियस अकम्बेंस तक जाता है जो फ्रैक्चर के अंदर दिया है। इस तरीके से मेसोकॉर्टिकल पाथवे
अगेन आपकी VTS है, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से स्टार्ट होता है और पूरे कॉर्टेक्स के अंदर जाता है, जिस तरीके से रेड के अंदर जो आपको दिखाया गया है आपकी फिगर के अंदर। फिर नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे है जो कि ये स्टार्ट होता है आपके बेसल गैंग्लिया से, ठीक है जी। नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे सबस्टांसा नाइग्रा से स्टार्ट होगा और आगे जो है ये स्ट्रेटम के अंदर जाएगा। स्ट्रेटम के अंदर जो है प्यूटामन और कॉडेट, ये जो ब्लू के अंदर आपको दिखाया गया है ये कॉडेट और प्यूटामन में जाता है सबस्टांसा नाइग्रा से। और फिर ट्यूबरो इन्फंडिबुलर पाथवे जो कि आपको बिल्कुल रेड कलर के अंदर दिखाया गया है, ये हमारे पास स्टार्ट होता है हाइपोथैलेमस से और जाता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो ये हमारे पास क्या है कि जी मेसोलिम्बिक पाथवे आपके पॉजिटिव सिम्टम्स को, अगर यहाँ पे डोपामिन की एक्सेस हो जाती है, मेसोकॉर्टिकल पाथवे के अंदर डोपामिन की अगर डिसरेगुलेशन होती है, डिसरप्शन होती है, कम हो जाता है तो नेगेटिव सिम्टम्स होंगे। और इस तरीके से अगर हम नाइग्रोस्ट्रायटल पाथवे के अंदर जिस तरीके से डोपामिन है ये अगर आपका काम करता है किसका कि जी आपके जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है, जो फाइन मूवमेंट्स है उसको कंट्रोल कर सके, अगर यहाँ पे हम डोपामिन को ब्लॉक करेंगे तो हमारे पास और एक साइड इफेक्ट भी है, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स EPS, NTD, टार्डिव डिस्काइनेसिया, ये आगे हम साइड इफेक्ट्स में पढ़ेंगे एंटीसाइकोटिक्स के। अगर यहाँ पे हम डोपामिन को ब्लॉक करेंगे तो हमारे पास EPS प्रोड्यूस होंगे, टार्डिव डिस्काइनेसिया प्रोड्यूस होगा। और टिब्यूडो इन्फ्रंटिबुलर पाथवे के अंदर जो कि हमारे पास हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी के अंदर आता है तो यहाँ पे डोपामिन का काम के हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, ये आगे हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ एक्शन। अगेन आप लोगों को मैंने बता दिया, ये एक पिक्चर है आपके मेसोकॉर्टिकल पाथवे का। जो मेसोकॉर्टिकल पाथवे है स्टार्ट होता है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से और ये आपका जाता है न्यूक्लियस अकाम्बेंस में, ठीक है जी। फिर नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे है जो कि सबस्टांसा नाइग्रा से शुरू होता है और कॉडेट और प्यूटामिन में चला जाता है, स्ट्रिएटम में चला जाता है। फिर ट्यूबरो इन्फ्रंटिबुलर पाथवे है जो कि स्टार्ट होता है हाइपोथैलेमस से और पिट्यूटरी के अंदर आता है। और फिर इस तरह से मेसोलिम्बिक पाथवे है जो कि स्टार्ट होता है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से और ये जाता है आपके न्यूक्लियस अकम्बेंस में। तो ये चार पाथवेज है जो कि हमें समझने चाहिए डोपामीन के जो हमारे एंटीसाइकोटिक्स है उनके एक्शंस को जानने के लिए और साथ साथ में उनकी जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको जानने के लिए। जिस तरीके से हमने बात की कि ट्यूबरो इन्फ्रंटिबुलर पाथवे अगर इसको हम ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। जिस तरीके से नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे है तो बेसिकली सबस्टांसा नाइग्रा में आप लोगों को पता है बेसल गैंग्लिया हमारे फाइन मूवमेंट्स को, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को, मसल टोन को, जो हमारे मसल के अंदर जो टोन है नॉर्मल टोन है उसको मेंटेन करता है। अगर नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे जो सबस्टांसा नाइग्रा से है प्यूटामिन और कॉडेट न्यूक्लियस में जाता है तो अगर यहाँ पे हम डोपामिन को ब्लॉक करते हैं तो क्या होगा कि हमारे फाइन मूवमेंट्स सही तरीके से नहीं होंगे तो हमें ट्रिमर्स शुरू हो जाएंगे, हमारे मसल्स की जो टोन है वो इंक्रीज हो जाएगी, मस्कुलर रिजिडिटी पैदा हो जाएगी, पार्किंसंस लाइक सिम्टम्स पैदा हो जाएंगे जो कि कॉमन साइड इफेक्ट्स है एंटीसाइकोटिक्स के, क्योंकि यहाँ पे भी हम डोपामिन जो रिसेप्टर्स है उसको हम ब्लॉक कराते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा डोपामिन ना हो, लेकिन साइड इफेक्ट क्या होगा कि नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे में डोपामिन को हमने ब्लॉक किया तो हमें ये साइड इफेक्ट आएंगे। अगर हम मेसोकॉर्टिकल पाथवे के अंदर इसको ब्लॉक करते हैं तो हमारे पास ठीक है नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर एलिवेशन आएगी, मेसोलिम्बिक पाथवे के अंदर D2 रिसेप्टर्स की ब्लॉकेज होगी तो पॉजिटिव सिम्टम्स हमारे पास कम होंगे, लेकिन बाकी जो हमारे पास जिस तरीके से नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे है तो वहाँ पे जो साइड इफेक्ट्स है वो हमें फिर नज़र आएंगे एंटीसाइकोटिक्स के यूज से। तो ये जो आपको चार पाथवे हैं ये आपके क्या है कि ये जो हमारे पास एंटीसाइकोटिक्स है कन्वेंशनल पुराने, ये जो हमारे पास ये स्ट्रांगली एंटागोनाइज करते हैं रिसेप्टर के ऊपर बैठ जाते हैं D2 रिसेप्टर के ऊपर। जो डोपामिन के हमारे पास जो पांच रिसेप्टर्स है
जो कि क्लिनिकल उसके अंदर इम्पॉर्टेंट है वो है डोपामिन टू रिसेप्टर्स और उसके साथ, लेकिन जो उसकी क्लासिफिकेशन है वो ये है कि हमारे पास डोपामिन D1, D2, D3, D4, D5 रिसेप्टर है। तो जो एक्टिविटी है D1 की और D5 की वो एक जैसी है, तो उसको D1 लाइक रिसेप्टर कहते हैं। D2, D3, D4 इनकी जो एक्टिविटी है वो एक जैसी है, तो उनके स्ट्रक्चर और एक्टिविटी के हिसाब से उनको कहते हैं D2 लाइक रिसेप्टर। तो D1 लाइक रिसेप्टर और D2 लाइक रिसेप्टर, ये दो किस्म के जो रिसेप्टर्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है एंटीसाइकोटिक्स को समझने के लिए। और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट जो क्लिनिकल रेलेवेंस है D1 लाइक रिसेप्टर की ज़्यादा नहीं है, D2 लाइक रिसेप्टर की ज़्यादा है। तो हमें ज़्यादातर समझना है D2 रिसेप्टर्स को और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को, जो कि आगे हम जो इसके जो मोड ऑफ एक्शन है एंटीसाइकोटिक्स के इसमें आगे हम डिस्कस करें। अच्छा जी, एंटी साइकोटिक्स ऑफ सेकंड जनरेशन जिसको हम कहते हैं एटिपिकल एंटी साइकोटिक्स, सेकंड जनरेशन या एटिपिकल एंटी साइकोटिक, या इसको हम कहते हैं सेकंड जनरेशन एंटी साइकोटिक्स, ठीक है जी, या न्यू एंटी साइकोटिक्स, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास जो ड्रग्स है उसके अंदर नए एंटी साइकोटिक्स में, इसमें D2 एंड D3 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट, जो कि D2 और D3 कि ये सिर्फ दो रिसेप्टर्स की D2 और D3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, उन रिसेप्टर के ऊपर ये बैठ जाती हैं ताकि डोपामीन वहाँ पे एक्ट ना कर सके। हमारा मकसद क्या है कि हम जो साइकोसिस है उनके सिम्टम्स को कम करें, उसको कम करने के लिए हमें क्या है कि डोपामीन ज़्यादा है। अब डोपामीन जिन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेगा उन रिसेप्टर्स को हमने ब्लॉक करना है, ठीक है। मेन एंटीसाइकोटिक्स का मकसद यही है, जितने भी एंटीसाइकोटिक्स के, कि हम क्या करें कि डोपामीन के रिसेप्टर को ब्लॉक करें, उसके ऊपर जा करके मेडिसिन बैठ जाए और डोपामीन उसके ऊपर एक्ट ना कर सके, उसको वो मेडिसिन जा करके पकड़ ले। तो D2 और D3 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है, उसके अंदर हमारे पास सल्फराइड ग्रुप MSulfuride है, फिर हमारे पास SPA है, SPA जो हमारे पास ड्रग्स है इसके अंदर सेरोटोनिन एंड डोपामिन एंटागोनिस्ट, ये क्या करते हैं, ये सेरोटोनिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करते हैं, डोपामिन के रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं। और इन मेडिसिन के अंदर जो हमारे पास नए एंटीसाइकोटिक्स है इसके अंदर है रेस्पेराडोन है, जिफ्रासिडोन है और सर्टिनडॉन है। तो ये हमारे पास सेरोटोनिन और डोपामिन एंटागोनिस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। हमारे पास मार्टा क्लासिफिकेशन है, जो इसके अंदर हमारे पास क्लोजापिन है। मार्टा हमारे पास क्या है कि जी मल्टी एक्टिंग रिसेप्टर टारगेटेड एंटीसाइकोटिक, इसका मकसद क्या है कि जी मल्टी एक्टिंग रिसेप्टर टारगेटेड एंटीसाइकोटिक्स, ये हमारे पास सिर्फ डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं करेंगे, सेरोटोनिन रिसेप्टर को सिर्फ ब्लॉक नहीं करेंगे, ये हमारे पास हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करेंगे, कॉर्नर्जिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करेंगे, 5-HT1 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेंगे और बहुत सारे रिसेप्टर्स के ऊपर इनके एक्शंस होंगे और उनको ब्लॉक करेंगे। इसलिए इन ड्रग्स की जो क्लासिफिकेशन है वो मल्टी एक्टिंग रिसेप्टर टारगेटेड ड्रग्स के अंदर डाला गया है कि ये हमारे पास, और इस आगे हम साइड इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे कि इनके साइड इफेक्ट्स पर जाहिर सी बात है और होंगे, जिस तरह से सेडेशन है, पोस्टरल हाइपोटेंशन है, मैच्योरेशन के अंदर प्रॉब्लम है, जो भी आपके रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो वहाँ पे उनके जो मेडिसिन इनके साइड इफेक्ट्स आएंगे। उसके अंदर जो हमारे ड्रग्स है वो है क्लोजापिन, वोलांसिपिन, क्योटापिन और जोटेपिन। तो ये मार्टा की है जो नए एंटीसाइकोटिक्स है। और जो ज़्यादातर हमारे पास यूज होते हैं नए एंटीसाइकोटिक्स के अंदर एरीपेप्राजोल, अगेन ये हमारे पास डोपामिन सेरोटोनिन स्टेबलाइजर है और पार्शियल एगोनिज्म करता है D2 का और 5-HTA1 रिसेप्टर का और एंटागोनाइज करता है 5-HT का मकसद क्या है, 5-Hydroxytryptamine, 5-Hydroxytryptamine का जो उसको हम कहते हैं सेरोटोनिन, जो सेरोटोनिन का सेरोटोनिन A1 रिसेप्टर और सेरोटोनिन A2 रिसेप्टर, ठीक है जी। तो ये दो रिसेप्टर्स हैं हमारे पास, ये इनको एंटागोनाइज करेगा 5-HT2A रिसेप्टर्स को। 5-HT2A रिसेप्टर अगर हमारे पास एंटागोनाइज होगा तो
जब ये हमारे पास ब्लॉक होगा तो हमारे पास क्या होगा, डोपामीन की जो रिलीज है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी और वो कुछ टाइम के लिए फिर जो ड्रग है वो डोपामीन रिसेप्टर से हटाएगा। तो दैट्स वाई उसको क्या होगा कि इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स है वो थोड़े से कम होंगे। अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो डिफॉल्ट फॉर्म के अंदर आते हैं एंटी साइकोटिक्स टिपिकल और एटिपिकल के अंदर, ये हमारे पास ये है कि जी ज़्यादा दिनों के लिए कि बार बार आप इनको इंजेक्शन नहीं लगा सकते, बार बार मेडिसिन नहीं दे सकते किसी भी रीज़न से। तो ये डेपो फॉर्म के अंदर या डिफॉल्ट फॉर्म के अंदर होते हैं, जो कि मतलब एक हफ्ते से लेकर के ये हमारे पास 4 हफ्तों तक ये मेडिसिन इफेक्ट करती है। और उसके अंदर जो हमारे पास मेडिसिन है वो फ्लोफेनाजीन है, ऑक्सीप्रोथेफेन है, हेलोपेरिडोल है, फ्लोफेंटेक्साल है, जोक्लोफेंटेक्साल है, और प्लोस्पेरलिन है, और रेस्पेरिडोन है। ये सब हमारे पास डिफॉल्ट फॉर्म के अंदर मौजूद है कि मतलब 2 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के बाद या 4 हफ्ते के बाद आपको एक डोज देना होता है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर अगर हम बात करें तो अब हमारे पास देर आर मैनी टाइप्स ऑफ डोपामिन रिसेप्टर्स। डोपामिन के बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, जैसे आप लोगों को मैंने बता दिया कि जी D1 से लेकर के D5 तक, लेकिन जो हमारे पास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के हैं वो हमारे पास D1 लाइक रिसेप्टर्स है और D2 लाइक रिसेप्टर्स हैं। द एंटी साइकोटिक ड्रग्स प्रॉबली ऑफ देयर थेरापेटिक इफेक्ट्स मेनली टू ब्लॉकेट ऑफ D2 रिसेप्टर। और जैसे पहले भी आप लोगों को मैंने बताया कि एंटी साइकोटिक्स की जो एक्शन है उसमें जो क्लासिफिकेशन है कि जी D1 लाइक रिसेप्टर्स हैं हमारे पास और D2 लाइक रिसेप्टर्स हैं। तो D1 लाइक रिसेप्टर्स इतने ज़्यादा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के नहीं है, लेकिन D2 लाइक रिसेप्टर्स हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो एंटी साइकोटिक इफेक्ट्स है मेडिसिन की वो एंटागोनाइज या ब्लॉक करने से होगा D2 रिसेप्टर के। जब हम D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो ये एंटी साइकोटिक एक्टिविटी हमारे पास प्रोड्यूस करेगी। द मेन ग्रुप्स इसके अंदर जो हमने डिस्कस किए उसके अंदर फेनोथायजीन है, थायजेंथीन है, ब्यूटायरोफिनोन है। तो ये जो हमारे पास ड्रग्स है कन्वेंशनल एंटी साइकोटिक्स के ये जो सब ग्रुप्स में हमने पहले डिस्कस किया, तो ये हमारे पास क्या करते हैं कि जी शो प्रेफरेंस फॉर D2 ओवर D1 रिसेप्टर्स। ये जो इसका प्रेफरेंस है रिसेप्टर्स के लिए, रिसेप्टर साइट के लिए, वो क्या है, वो D2 रिसेप्टर है, यानी कि ज़्यादातर ये D2 रिसेप्टर के ऊपर ही काम करती है। सम न्यूअर एजेंट्स जिस तरीके से रिमोक्सिप्राइड है आर हाईली सेलेक्टिव फॉर D2 रिसेप्टर, जो हमारे पास D2 रिसेप्टर्स के लिए हैं। वेयर एज क्लोजापिन इज रिलेटिवली नॉन सेलेक्टिव बिटवीन D1 एंड D2। और दूसरे जो हमारे पास टिपिकल एंटीसाइकोटिक के अंदर एग्जांपल है क्लोजापिन, ये हमारे पास क्या है कि रिलेटिवली डोपामिन के लिए सेलेक्टिव नहीं है D1 की D2 के लिए, लेकिन इसकी एफिनिटी किसके लिए ज़्यादा है, एफिनिटी फॉर D4 रिसेप्टर। अगेन D4 रिसेप्टर जो है ये हमारे पास मॉड्यूलेट करता है D2 रिसेप्टर को, ठीक है जी। अब D1 रिसेप्टर मॉड्यूलेट करता है D5 को, D4 मॉड्यूलेट करता है D2 को, इस तरीके से D3 भी D2 को करता है, और इस तरीके से D3 D4 को करता है। ये मतलब इंटरेक्टिव रिसेप्टर्स है D2 लाइक रिसेप्टर्स है। अच्छा जी, डोपामिन द नेचुरली अकरिंग एगोनिस्ट इंटरेक्ट्स विद D1 एंड D2 रिसेप्टर्स and both receptors are found in high density in the corpus striatum and nucleus accumbens. अब डोपामीन हमारे पास जो नेचुरली हमारे पास एक एगोनिस्ट है जो पाया जाता है आपके ब्रेन के अंदर, और हमने साइकोसिस के अंदर डिस्कस किया कि ये एक्सेसिव अमाउंट के अंदर जब आ जाता है तो ये हमारे पास साइकोटिक सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। तो इनके जो D1 और D2 receptors है तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं corpus striatum में, सही है, जो हमने बात की नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे में, जो कि सब्सटेंशिया नाइग्रा से जो कॉर्पस में जाता है, और न्यूक्लियस एकम्बेंस में, जो न्यूक्लियस एकम्बेंस के अंदर हमारे पास है वो हमारे पास जो मेसोलिम्बिक पाथवे है जो कि वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से स्टार्ट होता है, न्यूक्लियस एकम्बेंस में जाता है। तो न्यूक्लियस एकम्बेंस के अंदर ये रिसेप्टर हमारे पास ज़्यादातर इसकी डेंसिटी, इसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है। मोस्ट स्ट्रियटल न्यूरॉन्स हैव
D1 responses and most accompanied neurons have D2 responses. अब जिसके अंदर थोड़ी सी सेलेक्टिविटी ये है कि जो हमारे पास कॉर्पस स्ट्रेटम के अंदर जो न्यूरॉन है उसका D1 रिस्पॉन्स ज़्यादा है, डोपामिन 1, और जो हमारे पास अकम्बन्स न्यूरॉन है जो न्यूक्लियस अकम्बन्स के अंदर है, जो कि हमारे पास पार्ट है मीजो लिम्बिक पाथवे का, तो ये हमारे पास D2 रिस्पॉन्स होता है इसका, और इसीलिए हम कहते हैं कि जी हमारे पास पॉजिटिव सिम्टम्स को कम करना, कॉग्निटिव सिम्टम्स को कम करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर नेगेटिव सिम्टम्स को कम करना हमारे लिए ज़रूरी होता है साइकोसिस में, और ये सारे मेडिएट होते हैं D2 रिसेप्टर से या D2 रिस्पॉन्स से, जो कि हमारे पास न्यूक्लियस अकम्बन्स के अंदर ज़्यादा है। जिस तरीके से हमने बात की कि जी न्यूक्लियस अकम्बन्स पार्ट है मीजो लिम्बिक पाथवे का, और मेसोलिम्बिक पाथवे के अंदर अगर हमारे पास डोपामिन एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, पॉजिटिव सिम्टम्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, D2 रिस्पॉन्स को कम करना है, मिनिमाइज करना है। वहाँ पे डोपामिन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हम D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो पॉजिटिव सिम्टम्स हमारे पास कम हो जाएंगे या डिमिनिश हो जाएंगे। अच्छा, हमने बात की एंटी साइकोटिक्स की, उसके अंदर जो टिपिकल एंटी साइकोटिक्स है, टिपिकल पहले हमने डिस्कस किया कि ये टिपिकल उसको हम कह सकते हैं, कन्वेंशनल एंटी साइकोटिक्स हम उसको कह सकते हैं, न्यूरोलेप्टिक्स हम को कह सकते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक्स, और ये भी हमने डिस्कस किया कि ये जो हमारे पास कन्वेंशनल एंटी साइकोटिक्स है, जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि सपोज आप एक एग्जांपल लेते हैं कि जी हेलोपेरिडोल का एग्जांपल लेते हैं, ड्रोपेरिडोल का एग्जांपल लेते हैं, जो कि कॉमनली हमारे पास यूज होते हैं, तो ये हमारे पास क्या करते हैं, आर D2 डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये हमारे पास ब्लॉक करते हैं डोपामिन 2 रिसेप्टर को, ये डोपामिन 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, तो जब डोपामिन 2 रिसेप्टर हमारे पास ब्लॉक होंगे तो हम सिग्निफिकेंटली हमारे पास कम होंगे पॉजिटिव सिम्टम्स, ठीक है जी, तो पॉजिटिव सिम्टम्स हमारे पास ये कम करेंगे। ज़्यादातर हाई पोटेंशियल टिपिकल एंटीसाइकोटिक बाइंड टू द D2 रिसेप्टर विद हाई एफिनिटी। इसमें हमारे पास दो किस्म के हैं, जो एक हाई पोटेंसी है एक लो पोटेंसी है। जो हाई पोटेंसी है उनका जो एफिनिटी है वो D2 रिसेप्टर के लिए बहुत ज़्यादा है, जो लो पोटेंसी है उनकी जो हमारे पास जो एफिनिटी है वो कम है। लेकिन इसके कुछ फायदे और नुकसान हैं, इसके D2 रिसेप्टर की अगर एफिनिटी ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव सिम्टम तो जल्दी एलिविएट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे के अंदर D2 रिसेप्टर को अगर हम ब्लॉक करते हैं ज़्यादा टाइम के लिए या हाई एफिनिटी के साथ, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स आएंगे, जो लो पोटेंशियल ड्रग है उनके फिर हमारे पास, तो हाई पोटेंसी जो एंटीसाइकोटिक्स है ये हाई एफिनिटी के साथ ज़्यादा टाइटली बाइंड होते हैं D2 रिसेप्टर के साथ, एज अ रिजल्ट दे हैव हाई रिस्क ऑफ एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स। इसलिए क्योंकि D2 रिसेप्टर, जैसे आपको मैंने बता दिया, अगर हम इसको मेसोलिम्बिक पाथवे में ब्लॉक करते हैं तो क्या होगा कि सिग्निफिकेंटली हमारे पास ये पॉजिटिव सिम्टम हेलुसिनेशंस है, इल्यूजन्स है, डिल्यूजन्स है, थॉट डिसऑर्डर है, इसको तो ख़त्म कर देंगे, लेकिन अगर नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे के अंदर D2 रिसेप्टर को हम ब्लॉक करेंगे तो वहाँ पे डोपामिन हमारे पास कम हो जाएगा, जो कि वहाँ पे डोपामिन का एक्शन क्या है कि आपके मसल टोन को नॉर्मल रखना, आपके जो फाइन मूवमेंट्स है उनको कंट्रोल करना, तो फिर क्या होगा कि आपको अगर D2 रिसेप्टर आप नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे में अगर बंद करेंगे, जाहिर सी बात है अगर ये मेसोलिम्बिक के अंदर करेगा तो मेसोकॉर्टिकल पाथवे नाइग्रोस्ट्रेटल में भी करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स आपको प्रोड्यूस होंगे। एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स आगे हम साइड इफेक्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास पार्किंसंस लाइक सिम्टम्स है, ट्रेमर्स है, मसल रिजिडिटी है, एक्रप्टेजिया, टारडिव डिस्काइनेजिया, तो ये हमारे पास साइड इफेक्ट्स आएंगे। और ये जो हमारे पास टिपिकल है, इनके जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले हैं उनके एग्जाम्पल जिस तरह से फ्लोफेनाजीन है, हेलोपेरिडोल है या फेमोसाइड है,
ये हमारे पास पुरानी एंटीसाइकोटिक्स है, इनकी एफिनिटी डी टू के लिए ज़्यादा है, और अगर डी टू को ये ज़्यादा टाइटली बाइंड करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव सिम्टम्स तो कम होंगे लेकिन साथ साथ में एक्स्ट्रा पैरामेडल साइड इफेक्ट्स इसके हमारे पास आएंगे। इसके अंदर जो लो पोटेंसी टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैव लेस एफिनिटी फॉर द डी टू रिसेप्टर्स बट टेंड टू इंटरैक्ट विद नॉन डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स रिजल्टिंग इन मोर कार्डियोटॉक्सिक एंड एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट्स इंक्लूडिंग सेडेशन हाइपोटेंशन। अब जो हमारे पास लो पोटेंसी है, अब ये क्या है, ये इतनी ज़्यादा एफिनिटी नहीं है डी टू रिसेप्टर के लिए, मतलब आपके डी टू रिसेप्टर के साथ ये ज़्यादा टाइटली बाइंड नहीं होते। ये इसका एक फ़ायदा कहाँ पे आएगा कि जी हमारे पास एक्स्ट्रा पैरामिडल जो साइंस है कंपैरेटिवली हाई पोटेंसी से इसके कम होंगे, लेकिन जो लो पोटेंसी ड्रग है जिस तरह से क्लोरपोमाजीन है जो यूज़ होते हैं थायरोडाजीन, जो हमारे पास दो एंटीसाइकोटिक क्लिनिकल सेटअप्स में कॉमनली यूज़ होते हैं, ये लो पोटेंसी पुराने एंटीसाइकोटिक्स है, लेकिन इनका क्या है कि ये डी टू के साथ इतना टाइटली बाइंड नहीं होते, लेकिन ये बाकी रिसेप्टर्स के ऊपर हमारे पास एक्ट करते हैं जिस तरीके से मस्कारेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर करते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर करते हैं। अच्छा जी, कोलिनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा कि हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर करेंगे, हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर करेंगे तो हमारे पास सेडेशन प्रोड्यूस होगी, इस तरीके से मस्कारेनिक रिसेप्टर के ऊपर करेंगे तो पोस्चरल हाइपोटेंशन होगा, कोलिनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर करेंगे तो आपकी ड्राई माउथ और आपको डिफ़िकल्टी एंड मैच्योरेशन, पेशाब के अंदर मसला डिफ़िकल्टी होना, तो ये आपके जो साइड इफेक्ट्स इसके फिर ज़्यादा होंगे। दो के एक्स्ट्रा पैरामिडल इसके कम होंगे, लेकिन ये चूँकि सिर्फ डी टू को ही इफेक्ट बाइंड नहीं करती, ये बाकी रिसेप्टर्स को भी करती हैं, जिस तरह से हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेंगी, कोलिनर्जिक को भी करेगी और साथ साथ में मस्कारेनिक रिसेप्टर को भी करेगी, और उसी हिसाब से उनके साइड इफेक्ट्स जो इन लो पोटेंसी पुराने या टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं ये और मुख्तलिफ होंगे। और इनके जो एग्जांपल्स है इसके अंदर क्लोरपोमाजीन है और थायरोडाजीन, ये दो एग्जांपल्स है लो पोटेंसी टिपिकल या पुराने एंटीसाइकोटिक्स के। रिसेप्टर सेलेक्टिविटी हमारे पास डिफरेंट है, कुछ हमारे पास पार्शल एगोनिस्ट है तो कुछ हमारे पास पार्शल एंटागोनिस्ट है हिस्टामिन की, तो ये इनका एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स का एक ये बेनिफिट है। कुछ एंटी कुछ नए जो एंटीसाइकोटिक्स है या एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है उसमें ये होता है कि जो डोपामिन है वो इतना ज़्यादा हाई एफिनिटी के साथ बाइंड नहीं होता, रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करता, तो ये वक्तन फवक्तन जब हमारे पास 5-HT2A रिसेप्टर हमारे पास अगर ये हमारे पास एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होता है कि हमारे पास डोपामीन रिलीज़ हो जाता है। अब डोपामीन के रिलीज़ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंक्रीज़ हो जाती है और वो इस मेडिसिन को अपने जो रिसेप्टर है उससे हटा देता है। उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके जो नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे है उसमें अगर आपका डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉक रहेगा प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो आपको एक्स्ट्रा पैरामिडल साइन सिम्टम्स होंगे। एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स में जिस तरीके से एकथेजिया, मसल रिजिडिटी, पार्किंसंस लाइक सिम्टम्स, स्टार्टेड डिस्काइनेसिया, एकथेजिया, ये तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारे पास 5-HT2A 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन जो रिसेप्टर है ये हमारे पास एक्टिवेट होगा तो डोपामिन का रिलीज कुछ टाइम के लिए इंक्रीज हो जाएगा। जब डोपामिन का रिलीज इंक्रीज हो जाएगा तो ये इस मेडिसिन को रिसेप्टर से हटाएगा और कुछ डोपामीन आपके नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे के अंदर अपने रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेगा। जब वो एक्ट करेगा तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स है वो कम होंगे। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि जी हमारे पास जो नए एंटीसाइकोटिक्स है या एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है तो वो हमारे पास इसलिए थोड़े से बेहतर है कि इनके जो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स है वो कंपेरेटिवली कम होते हैं एज कम्पेयर टू टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, क्योंकि टिपिकल या पुराने एंटीसाइकोटिक्स सिर्फ डोपामीन के लिए सेलेक्टिव है और वो बहुत हाई एफिनिटी के साथ डोपामीन को एंटागोनाइज करती है, उस रिसेप्टर के ऊपर जा करके बैठ जाती है। तो नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे के अंदर अगर वो ज़्यादा टाइम के लिए डोपामीन रिसेप्टर के ऊपर ड्रग बैठा रहेगा
डोपामीन को एक्शन के लिए टाइम नहीं मिलेगा जो हमें एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स होंगे। दे आर कंसिडर्ड एटिपिकल इन द वे, यही तो हमने डिस्कस कर लिया कि जी ये हमारे पास सेरोटोनिन और डोपामिन दोनों को हमारे पास इनकी न्यूरोट्रांसमिशन को जो न्यूरोट्रांसमिशन है उसको इफेक्ट करती हैं, तो दैट्स व्हाई इसको हम एटिपिकल एंटीसाइकोटिक कहते हैं। और इनकी बेनिफिट्स ये है कि जी ये हमारे पास इसकी जो सेलेक्टिविटी है सेरोटोनिन रिसेप्टर के लिए भी है डोपामिन के लिए भी है, लेकिन इसके अंदर जो पार्शियल एगोनिस्ट है वो पार्शियल एगोनिस्ट ये काम करते हैं कि जी सेरोटोनिन के थ्रू मॉड्यूलेट करती हैं वक्तन फवक्तन डोपामिन को। जब आपका डोपामिन मॉड्यूलेट होगा, कैसे मॉड्यूलेट होगा कि आपका ड्रग आपके रिसेप्टर साइट से हटेगा थोड़े से टाइम के लिए और डोपामिन उसके ऊपर एक्ट करेगा, तो उससे क्या होगा कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो तो मिनिमाइज ही होंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स हैं इसके जो कि बहुत ही ज़्यादा एवर्सिव किस्म के साइन सिम्टम्स होते हैं जो कि एंटीसाइकोटिक्स जो पेशेंट्स लेते हैं उनके लिए बहुत तकलीफ दे जो सिम्टम्स हैं वो कम होते हैं, बिकॉज की जी स्पेशली इन नाइग्रोस्टेटल पाथवे वहाँ पे ये पार्शल जो है हमारे पास डोपामिन का रिलीज थोड़े से टाइम के लिए इंक्रीज होगा, वो ड्रग को थोड़े टाइम के लिए हटाएगा और फिर उसके बाद डोपामिन एक्शन करेगा, तो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स कम होंगे एज कम्पेयर टू टिपिकल या पुरानी एंटीसाइकोटिक्स। अब अगर आप बात करें एंटीसाइकोटिक्स के एडवर्स इफेक्ट्स की तो उसके अंदर हमारे पास टार्डिव डिस्काइनेसिया। अब टार्डिव डिस्काइनेसिया जिस तरीके से अगर हम D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं मेसोकॉर्टिकल पाथवे के अंदर और नाइग्रोस्टेटल पाथवे के अंदर तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि हमारे इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट है ये हमारे पास क्या होंगे डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट्स दैट मे नॉट रिजॉल्व विद ड्रग डिसकंटिन्यूएशन। ठीक है जी, आपके मसल के अंदर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होंगी और इसका जो रिस्क है अप्रॉक्सीमेटली 5% है पर ईयर अगर आप एंटीसाइकोटिक्स लेते हैं। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है और ये न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम हमारे पास स्पेशली जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है उनके साथ ज़्यादा एसोसिएटेड है, कैरेक्टराइज बाई सीवियर मसल रिजिडिटी। अब इसके अंदर क्या होगा कि आपके जो चारों डोपामिनर्जिक पाथवेज है उनको यहाँ वहाँ पे जो है वो ब्लॉकेज ज़्यादा करेगा। ठीक है जी, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा मसल रिजिडिटी ज़्यादा होगी जिस तरह से नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे है, फीवर आपको होगा फिब्रो इनफंडिबुलर पाथवे को आपने ज़्यादा आपको ब्लॉकेज दे दी, अल्टरमेंटल स्टेटस ये आपका अगर मेसोकॉर्टिकल पाथवे में आप D2 रिसेप्टर को आप ज़्यादा टाइम के लिए ब्लॉक कर दें, इस तरीके से ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी। ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी में क्या हो सकता है कि जी आपको टैकिकार्डिया हो सकता है, आपको एरिथमियाज हो सकते हैं, आपके रिस्पायरेशन के अंदर डिस्ट्रप्शन आ सकती है, फिर उसके बाद आपका जो WBC है वाइट ब्लड सेल वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, CPK आपका इंक्रीज हो सकता है, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज बोन मैरो को भी ये एक्टिवेट करते हैं। सही है जी, और फिर WBCs आपके एलिवेट हो जाएंगे और आपको जो है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के जो मार्कर्स है जिस तरीके से CPK है क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज और LFTs ही आपके बढ़ जाएंगे। और ये जो हमारे पास न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है ये पोटेंशियली मोहलिक होता है, फैटल होता है, तो NMS के अंदर हमारे पास आगे जा करके आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा डिसरेगुलेट कर जाएगा, आपको एरिथमियाज हो सकते हैं, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको इवन हार्ट ब्लॉक हो सकता है, तो ये सारे इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं ये न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के अंदर। सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के अंदर एक और जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है वो ऑटोनॉमिक क्राइसिस है जिसके अंदर आपको हाई ब्लड प्रेशर, टैकिकार्डिया, टैकिएरिथमियास ये आपको हो सकते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स इसके जो ज़्यादा है वो उसके अंदर है क्या है, एक्यूट डिस्टोनिया कि आपके मसल्स के अंदर जो रिजिडिटी है वो बढ़ जाती है आपकी बॉडी के मसल्स के अंदर, पार्किंसन सिंड्रोम जिसके अंदर आपकी जो मसल के अंदर ट्विचिंग होती है, एबनॉर्मल मूवमेंट होते हैं,
फोर्स ट्रेमर्स होते हैं, क्योंकि आपका जो सब्सटेंस नाइग्रा है वहाँ पे आपने डोपामिन को ब्लॉक किया, तो पार्किंसंस टाइप से आपके जो सिम्टम्स है वो होंगे कि चलने में आप जो गेट है वो आपका शफलिंग हो जाएगा, एक्सेसरी मूवमेंट्स जो है वो आपके कम हो जाएंगे, साथ साथ में आपको कोर स्ट्रेमर शुरू हो जाएंगे और साथ साथ में एकथलिया भी होगा। ओल्डर एंटीसाइकोटिक्स जो साइड इफेक्ट्स की टर्मिनोलॉजी है, अब उसके अंदर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स ईपीएस, जो ज़्यादातर एंटीसाइकोटिक्स के हमारे पास साइड इफेक्ट्स है वो क्या है, वो ईपीएस ही होते हैं। कुछ जो हमारे पास लिवर एंटीसाइकोटिक, ओल्डर एंटीसाइकोटिक्स में है बोन मैरो सप्रेशन, ये आपको बोन मैरो सप्रेस कर देती हैं, और बोन मैरो सप्रेशन की वजह से आपको मतलब फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है। लेकिन जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं सब एंटीसाइकोटिक्स के, उसके अंदर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। अब दो किस्म के हमारे पास जो सिस्टम्स है ब्रेन के अंदर वो मौजूद होते हैं, एक को हम कहते हैं पिरामिडल सिस्टम और एक को हम कहते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम। फिजियोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जो पिरामिडल सिम्टम्स है जो कि मेनली हमारे पास जो कॉर्टिकल फंक्शंस है वो परफॉर्म करते हैं, और उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं कि जो वॉलंटरी मूवमेंट है, जो हम इरादतन मूवमेंट करते हैं, किसी चीज़ को उठाते हैं, जो काम करते हैं, वो पिरामिडल सिस्टम का काम होता है। फिर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम हमारे पास रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलंटरी मसल एक्शन, ये हमारे पास इनवॉलंटरी मसल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है जी। जिस तरह का से हम फाइन मूवमेंट कर रहे हैं उसमें हमें ट्रेमर ना हो, या फिर किसी चीज़ को हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, या हमारा मसल जो इनवॉलंटरी मसल एक्शन है उसके अंदर हमारे मसल टोन का मेंटेन होना, कि हम बैठे हुए होते हैं और मतलब जाग रहे हैं तो हमारे मसल के अंदर एक टेंशन रहता है जिसको हम कहते हैं मसल टोन, ठीक है जी। जब वो ख़त्म हो जाता है तो आप टोन हो जाते हैं, ठीक है, मतलब आप जिस तरह आपको नींद आ जाती है, तो वो इनवॉलंटरी मसल एक्शन, वो टोन आपका कम हो जाता है और आपका आपकी बॉडी प्लेवी हो जाती है, आप फिर अपने मसल टोन को आप सही तरीके से मेंटेन नहीं करते, फिर आपका हाथ एक साइड से ऊपर गिर जाता है। तो इस तरीके से ये जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम है ये इन मसल एक्शन को या मसल के टोन को और फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या करता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम के ऊपर ये इफेक्ट करता है। क्योंकि अगर शुरू से आपको लेक्चर समझ आ गया होगा तो आपको मतलब ये साइड इफेक्ट समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम हमारे पास, ये जो हमने डोपामिनर्जिक पाथवे की बात की, तो इसके अंदर जो हमारे पास सब्सटेंशिया नाइग्रा है, सब्सटेंशिया नाइग्रा बेसिकली क्या है कि हमारे पास बेसल गैंग्लिया और सब्सटेंशिया नाइग्रा ये हमारे पास स्पाइन मूवमेंट को कंट्रोल करती है। तो ये हमारे पास नाइग्रोस्ट्रियल पाथवे जो स्ट्रियाटम के अंदर कॉर्डेट और फ्यूटामिन में जाता है, तो ये हमारे पास क्या करते हैं, इनवॉलंटरी मसल को कंट्रोल करते हैं। यह वही हमारे पास एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम है अलॉन्ग विथ बेसल गेंग्लिया। तो जो बेसल गेंग्लिया है उसका जो पार्ट है सब्सटेंशिया नाइग्रा, तो वो सब्सटेंशिया नाइग्रा बेसल गेंग्लिया बेसिकली हमारे पास क्या करते हैं, अपने फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। और अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा जाहिर सी बात है न्यूरोलॉजी में कि पार्किंसन डिजीज क्या होता है, कि उसके अंदर बेसिकली हमारे पास बेसल गेंग्लिया डैमेज हो जाता है। तो बेसल गेंग्लिया जब आपका डैमेज हो जाता है तो उसमें जो डोपामिन है वो सही तरीके से एक्शन नहीं करता, एक्ट नहीं करता, तो आपको पार्किंसोनिज्म हो जाता है। और पार्किंसोनिज्म के सिम्टम्स आपको पता है, शफलिंग गेट है, ट्रेमर्स है, इस तरीके से नेक के अंदर ट्वेचेज है, ट्रेम्बलिंग है, ठीक है जो शफलिंग गेट है, लॉस ऑफ एक्सेसरी मूवमेंट है, तो ये सारे आपके हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब आप एंटीसाइकोटिक्स लेते हैं और जब वो सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर अगर D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो पार्किंसन लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है जी। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, डिस्टोनियाज है, जिसके अंदर आपकी जो मसल कंट्रैक्शन है वो हो जाती है, जिस तरह से आंखें जो है आपकी रोल हो जाती है एक जगह के ऊपर, आपका नेक जो है बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है, नेक के अंदर रिजिडिटी आ जाती है, ठीक है, आपके स्वॉलन के अंदर प्रॉब्लम होती है, वॉइस टोन के अंदर मसला आ जाता है, आपके मसल जो है बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, पार्किंसोनिज्म जैसे आपको मैंने बता दिया अगर सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर होता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद एकथेसिया है, जिसके अंदर आपको मतलब इनवॉलंटरी जो मूवमेंट्स है जो कि आपके लिए अच्छी खासी तकलीफ देह होगी, और रेस्टलेसनेस आपको होगी एकथेसिया के अंदर, ठीक है जी।
एंड थर्ड वो डिस्काइनेसिया। फिर हमारे पास जो सिम्टम्स है एक्स्ट्रा पैरामिडल सिंड्रोम में, उसके अंदर एक्यूट डिस्टोनिया, जैसे हमने डिस्कस कर लिया एक्यूट डिस्टोनिया के सस्टेन मसल कंट्रैक्शन ऑफ नेक आईज थ्रोट, ठीक है जी, स्पेशली इन एरियाज का, नेक का, आईज का और थ्रोट का, इसके अंदर सस्टेन मसल कंट्रैक्शन, आपकी जो मसल है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और आप अगर कहीं पे आप को इत्तेफाक हुआ है साइकेट्री वार्ड में काम करने का, तो जो मेडिसिन वो लेते हैं एंटी साइकोटिक मेडिसिन लेते हैं, तो शुरू में ऐसे लोगों को उनके जो मसल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, और इतने हार्ड हो जाते हैं कि उनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है जी। तो वो हमारे पास क्या है, एक्यूट डिस्टोनिया है, जनरली अकर सून आफ्टर स्टार्टिंग मेडिकेशन, और ये मतलब विद इन 24 आवर्स से लेके 2 से 3 दिन तक, एक हफ्ते तक जो है, वीक में एक हफ्ते तक ये पीक तक पहुंच जाते हैं जो आपके एक्यूट डिस्टोनिया से। अच्छा जी, तो ये जल्दी शुरू हो जाते हैं एक्यूट डिस्टोनिया। फिर एक अथेजिया, अनकम्फर्टेबल कंटिन्यूस मोटर रेस्टलेसनेस, इसके अंदर आपको मुसलसल जो है आपको क्या होगा, आपको मोटर रेस्टलेसनेस होगी, आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होंगे। कैन अकर एनी टाइम इन ट्रीटमेंट बट जनरली इन फर्स्ट वीक। एकथेसिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मेडिकेशन आपको किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन जनरली फर्स्ट वीक के अंदर ज़्यादा। ईजिली मिस डायग्नोज एज द अंडरलाइंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर, और कभी कभी एकथेसिया को मिस डायग्नोज लोग करते हैं कि कुछ आप कहीं पे चले गए तो मे बी के आपको टिक्स डायग्नोज हो गए, हालांकि आपको एकथेसिया है, ठीक है जी, वो टिक्स नहीं होंगे। तो अक्सर किसी साइकेट्रिक डिसऑर्डर, अंडरलाइंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर ये फिर मिस डायग्नोज हो जाता है। अच्छा जी, तो फिर आगे जो हमारे पास है पार्किंसोनिज्म। अब पार्किंसोनिज्म जो है, अगेन हमने बात की थी, अगेन आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा, वहाँ पे ड्यूटी रिसेप्टर ब्लॉकेज, तो वहाँ पे ड्यूटी रिसेप्टर की ब्लॉकेज अगर होगी तो आपको क्या होगा, आपके फाइन मूवमेंट्स की कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। जब फाइन मूवमेंट्स की कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो आपको क्या होंगे, ट्रेमर्स होंगे। आपको मसल का टोन आपका मेंटेन करता है बेसल सब्सटेंशिया नाइग्रा, तो आपका मसल जो टोन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो मसल स्टिफनेस होगी, आपकी जो मोमेंट है वो स्लो हो जाएगी। और अगर आप जनरली अक्सर पेशेंट्स को देखते हैं तो जो एंटी साइकोटिक मेडिसिन लेते हैं तो वो ड्रोलिंग ज़्यादा करते हैं, मतलब उनका सलाइवा बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टोनिया हो चुका होता है, और उनके जो मसल्स है थ्रोट के और बकल म्यूकोसा की वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुके होते हैं, और वो सही तरीके से मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अपने जो माउथ के मसल्स को, तो इसलिए उनको ड्रोलिंग होती है, उनका सलाइवा मुंह से निकलता है बार बार। जनरली अकर बियॉन्ड 1 वीक आफ्टर स्टार्टिंग मेडिकेशन, और पार्किंसन लाइक सिम्टम बहुत जल्दी नहीं होते, लेकिन फिर भी अक्सर केसेस के अंदर जो है एक हफ्ते से ज़्यादा जब ट्रीटमेंट हो जाती है तो फिर उसके अंदर चांसेस है कि पार्किंसनिज्म लाइक सिम्टम्स हो, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इन सिम्टम्स को कम करने के लिए अक्सर जो पेशेंट्स हैं, जिस तरह से आप लोगों को पता है केमाड्रिन बेसिकली मेडिसिन है पार्किंसन डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन अगर आप साइकेट्रिक वार्ड में जाए तो साइकेट्रिक वार्ड में अक्सर पेशेंट्स को केमाड्रिन एडवाइस किया जाता है, तो वो केमाड्रिन इसलिए देते हैं ताकि उनके जो पार्किंसन लाइक जो सिम्टम है, जो उनको पार्किंसोनिज्म हो चुका होता है एंटी साइकोटिक्स की यूज़ की वजह से, वो कम हो सके। तो अक्सर उनको जो प्रोसाइक्लिडिन है केमाड्रिन, तो प्रोसाइक्लिडिन उनको देते हैं ताकि उनके पार्किंसन लाइक जो साइड इफेक्ट्स है वो कम हो। टार्डिव डिस्काइनेसिया, अब वो टार्डिव डिस्काइनेसिया के अंदर क्या होगा, स्पास्टिक फेशियल डिस्टॉर्शन इन टंग मूवमेंट्स। अब ऐसे पेशेंट्स की जो इनवॉलंटरी टंग मूवमेंट्स होती हैं, बार बार वो टंग को बाहर निकालते हैं और उसको चबाते हैं, या उसको मतलब उसके ऊपर टीथ से जो है वो प्रेशर डालते हैं, और जो फेस के मसल्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी आ जाती है। अच्छा, ये फिर आगे जा करके नेक को जा सकती है, फिर आगे आपके ट्रंक को, आपके मतलब जो मेन ट्रंक है और एक्सट्रीमिटीज़ है उसमें ये जो स्पास्टिसिटी है ये जा सकती है, और बिल्कुल आपको जिस तरीके से
बहुत ज़्यादा जिस तरह से किसी को सीपी है या कोई जो उसको मसल रिजिडिटी हो चुकी होती है या मतलब जो कोई जिस तरह डिसेरेब्रेट कर रहा होता है, तो ये जो टार्डिव डिस्काइनेसिया है अगेन हमारे पास मेसो कॉर्टिकल पाथवे के अंदर आपकी ब्लॉकेज हो जाती है डोपामिन रिसेप्टर की, जो आपके जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा स्पास्टिक हो जाते हैं और आप ये आपके एक्सटेंड हो सकती हैं ट्रंक तक एक्सट्रीमिटीज तक। डिलेड इफेक्ट होता है ये यूजुअली बियॉन्ड 6 मंथ्स फ्रॉम स्टार्टिंग मेडिकेशन। टार्डिव डिस्काइनेसिया बहुत ज़्यादा लेट होता है जब आपकी ट्रीटमेंट बहुत लंबी होती है, ट्रीटमेंट का टाइम ज़्यादा होता है, तो उसमें फिर आपको टार्डिव डिस्काइनेसिया होता है कि 6 महीने 1 साल तक अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो मतलब 6 महीने के बाद जा करके 8 महीने के बाद जा करके कहीं आपको टार्डिव डिस्काइनेसिया शुरू हो जाता है। रिस्क इंक्रीजेस विद ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू एंटीसाइकोटिक्स। ठीक है जी, जितना टाइम आप ज़्यादा एंटीसाइकोटिक्स लेंगे तो टार्डिव डिस्काइनेसिया आपको होना, जिसके अंदर आपकी जो बहुत ज़्यादा मसल है वो बहुत ज़्यादा स्पास्टिक हो जाते हैं, आपकी जो टंग मूवमेंट इररिलेवेंट जो टंग मूवमेंट है वो आपकी ज़्यादा हो जाती है, एक्सट्रीमिटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा पूरी बॉडी आपकी स्पास्टिक हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको कब ज़्यादा होगी, जब आप जितने ज़्यादा टाइम के लिए एंटीसाइकोटिक्स को यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको चांसेस है कि टार्डियो डिस्काइनेसिया हो जाए। अच्छा जी, मे बी परमानेंट अकर ऑन डिसकंटिन्यूएशन और रिजॉल्व ऑन ओन। ठीक है जी, अच्छा ये परमानेंट भी हो सकती है अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए लेते हैं, तो मतलब ये है कि जो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपकी स्टफनेस है तो उसकी वजह से आपको मतलब कॉन्ट्रैक्चर किसी खास एरियाज के अंदर हो सकते हैं तो वो परमानेंट हो सकता है, और या डिसकंटिन्यूएशन आप मेडिसिन के आप उसको डिसकंटिन्यू करते हैं तो आप ये जो टार्डिव डिस्काइनेसिया के सिम्टम्स है वो कम हो जाते हैं, या फिर जब आप मेडिसिन को लेती भी है डोज के अंदर एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो ये खुद से भी रिजॉल्व हो सकते हैं। इज वर्सन बाय मेडिकेशन यूज्ड टू ट्रीट अदर ईपीएस। अच्छा, अब ये जो हमारे पास बाकी एक्स्ट्रा पैरामेडिकल सिम्टम्स के लिए जो मेडिसिन है वो यूज़ होते हैं, अगर वो उनको आप यूज़ करते हैं जब किसी को टार्डियो डिस्काइनेसिया है तो वो या इसमें ये हेल्प नहीं करती, तो इसलिए हम ये जानना पहले ज़रूरी है कि पेशेंट को पार्किंसंस लाइक सिम्टम्स हो रहे हैं, एकथेसिया हो रहा है, पेशेंट को कोई डिस्टोनियाज हो रहे हैं या फिर उसको टार्डियो डिस्काइनेसिया है, और उसका हमें पता चलता है सिम्टम से और ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट से, और जाहिर सी बात है साथ साथ में जो ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स है उससे भी हमें अंदाज़ा होता है कि जो टार्डियो डिस्काइनेसिया है। अगर टार्डियो डिस्काइनेसिया है तो बाकी जो ईपीएस के जो सिम्टम्स है उनके जो मेडिकेशन है उसके अंदर इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। अच्छा, न्यूरोलिप्टिक मैलेग्नेंट सिंड्रोम जैसे पहले हमने डिस्कस किया, पाइप लाइक रिजिडिटी। अब इसके अंदर क्या होगा, आपके मसल्स के अंदर आप लोगों ने असेसमेंट के अंदर पढ़ा होगा डिफरेंट बॉडी के अंदर रिजिडिटीज होती हैं, इसको अंदर कॉक व्हील रिजिडिटी कहते हैं, लीड पाइप रिजिडिटी होती है, तो जब न्यूरोलेप्टिक मैलेग्नेंट सिंड्रोम होता है तो उसमें लीड पाइप रिजिडिटी होती है। जब आप पेशेंट के मसल को असेस करते हैं तो जब आप जैसे जैसे आप उनके मसल्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो रेजिस्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज होगा, इसको हम कहते हैं पाइप लाइक रिजिडिटी। और इसके साथ फीवर है, पहले हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया, फीवर है, ट्रेमर्स है, अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, और हाइपोटेंशन है, टैकेकार्डिया है, जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि टैकेकार्डिया के साथ जो है टैके एरिथमियाज हो सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह का से एट्रियल फ्लटर हो सकता है, वेंट्रिकुलर फ्लटर हो सकता है, इवन के आगे जा करके वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है न्यूरोलिप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। अच्छा जी, अब अगर हम इसको देखें तो लेबोरेटरी फाइंडिंग, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा विदाउट एनी ऑब्वियस रीज़न वो बहुत ज़्यादा फेब्राइल हो जाता है, उसको ट्रेमर शुरू हो जाते हैं, लीड पाइप रिजिडिटी उसको शुरू हो जाती है, अटैक के एरिथमियाज में चला जाता है, उसको बहुत ज़्यादा उसका बीपी गिर जाता है, तो अगर ऐसे पेशेंट को फिर अगर एंटीसाइकोटिक लेता है तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस कि वो पेशेंट हमारे पास एनएमएस उसको हो सकता है, और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं तो उसमें अब हमारे पास WBCs और क्रिएटिनिन काइनेज ये हमारे पास ज़्यादा होंगे। जब न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम डेवलप हो जाता है तो 10 to 20% इसकी मॉर्टेलिटी है,
देख लीजिएगा, इतनी बहुत ज़्यादा इसकी जो मॉर्टेलिटी है बहुत ज़्यादा है जब एक मरतबा से डेवलप हो जाता है, क्योंकि इसके आपकी थर्मोडस रेगुलेशन हो जाती है, इंक्रीज टेम्परेचर, फिर टैकेरिथमियाज जो है और हाइपोटेंशन, ये दोनों पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, और आगे फिर जा करके कॉर्टिकल फंक्शन के अंदर आपका अनकॉन्शियसनेस होना कैन अकर एनी टाइम इन द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, और ये टाइम बाउंड नहीं है। किसी भी टाइम जो है आपको, जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं एंटी साइकोटिक्स लेते हैं, तो किसी भी टाइम आपको एनएमएस हो सकता है। एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स, ओल्डर एंटी साइकोटिक्स के जो एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स है उसके अंदर जो हमने कहा कि जो लो पोटेंसी है वो हमारे पास मस्कारेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर, साथ साथ में कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर और हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर, ठीक है। तो अब देखें कि जी मस्कारेनिक आपकी जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर ये करेंगे तो उसके अंदर फिर क्या होगा, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स में ड्राई माउथ होगा, ब्लर्ड विजन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, यूरिनरी रिटेंशन होगा और माइड्रेसिस या डायलेटेड पीपल्स, ये इनके साइड इफेक्ट्स के अंदर शामिल है जो एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स हैं ओल्डर एंटी साइकोटिक्स के, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो ओल्डर एंटी साइकोटिक्स के अंदर जो लो पोटेंसी है उसके जो हमारे पास ईपीएस के जो सिम्टम्स है वो तो मिनिमाइज होंगे, लेकिन ये चूंकि दूसरे रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती है, जिस तरीके से कोलिनर्जिक रिसेप्टर को इसने अगर ब्लॉक कर दिया तो फिर इसके साइड इफेक्ट्स के मजीद बाकी साइड इफेक्ट्स के साथ ये साइड इफेक्ट्स भी होंगे, ड्राई माउथ, ब्लड प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन और